भाई वापस आ गए हैं हम फियर रेबल के दूसरे दिन के पेड सॉरी फ्री कस्टम में। जी हाँ, फ्री का, मुफ्त का, मुफ्त का माल लूटने के लिए देखो बेशर्म कैसे पहुँचते हैं। आज टोटल यहाँ पे 20 टीमें आई है मुफ्त का रूम खेलने। सॉरी, बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो मान लेना मेरा क्या जाता है। टोटल 67 पीपल्स इन द टीम इन द रूम। सॉरी, क्या ही क्या बोल रहे भाई, अंग्रेजी लंगड़ी अंग्रेजी। तो भाई आज कुछ ऐसा स्कैम हुआ कि आज मैंने ना करा लाइव स्ट्रीम दोबारा से, मतलब कल वाला का तो स्कैम हो ही गया था, आज दोबारा स्कैम हो गया। हुआ यूँ कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि भाई मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन करा, आधा गेम लाइव स्ट्रीम किया, उसके बाद मैंने ना एक दोस्त से बोला भाई अपना फ़ोन दियो, मैं जरा चेक करूँ लाइव स्ट्रीम चल कैसा रहा। भाई लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही आला ग्राफिक्स, आला समथिंग, मतलब सारे पिक्सल्स विक्सल सब सही थे, बस एक चीज़ की कमी थी उसमें, मेरे प्यारे प्यारे स्वर की, मेरे आवाज़ की, जिसके बिना मुझे पता है आपको मज़ा तो आता ही नहीं है, मुझे मालूम है, आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नो। तो भाई यहाँ पर टीम 20 कर रही थी फाइट प्रिजन में, और प्रिजन में इन्होंने पढ़ ले सबसे पहली टीम जिन्होंने पटकाई थी वो थी फियर रेबल की। ओ माय गॉड, द ओनर ऑफ द रूम, द प्रोस्ट अमंग द प्रो इज नो मोर, और उनकी टीम का बेड़ा गर्क किया है टीम 20 ने। और यहाँ पर निक्सन ने बहुत कोशिश की अपनी टीम के, अपने स्क्वाड के मौत का बदला लेने का, पर अफसोस उन पर जानलेवा हमला हुआ और वो इस मैच में अब नहीं रहे। तो इसी के साथ ही फियर रेबल और उनकी टीम का पापड़ बन गया मैच स्टार्ट होने से पहले ही। चलो गाइस आगे देखते हैं, ये लड़का, ये जो टीम 19 में है ना, ये सिद्धार्थ, जिसकी अभी एक झलक दिखी आपको छोटी सी, मेरी उससे शर्त लगी थी कि बेटा तू टॉप 3 में पहुँच जा, तुझे मैं कल 10 रुपये इनाम दूंगा। उसने कहा 10 नहीं, मुझे 2 पराठे खिला देना, मतलब टोटल 30 रुपये। मैंने कहा यार जा, तू भी क्या याद रखेगा गरीब साला, मुझे लगा नहीं था ये आ पाएगा, अकेला बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड कस्टम में। पर जो हुआ है ना भाई, दिल टूट गया मेरा, कैंपरों और सांपों से तो मेरा विश्वास उठ गया। और यहाँ पे टीम 21 रश करती हुई, और टीम 21 यहाँ पे बहुत सोच विचार करके रश कर रही है टीम नंबर 10 पे। और बंदा भाई बहुत ही मेहनत कर रहा था वो, मतलब लिटरली मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, मतलब मेहनती बंदा था। उसने अपने एक स्प्रे में एक बंदे को नॉक करा, और उसके बाद दूसरे बंदे को भी बहुत मुश्किल हुई भाई इसे मारने में, मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहा था, रियली गुड, टू गुड यार, टू गुड। अंधा थॉमसन का स्प्रे दिए जा रहा है, नाचे जा रहा है, पता ही नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था, पर ही वॉज टू गुड, बट आफ्टर ऑल अ मैन विथ मोर HP विल गिव यू अ डैम पेटी वाला लुक, मेक योर पेटी। हाँ, तो इस लौंडे से ना मेरा शर्त लगा हुआ है भाई, ये टॉप 3 में नहीं आना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद थी, ऐसा मेरा सपना था, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था कि ये नहीं आ पाएगा, मुझे पूरे तरह से भरोसा था, विश्वास था कि ये नहीं आएगा, पर मेरे विश्वास की माँ की आँख हो गई, और उस आँख की किसी ने बैंड बजा दी। टीम नंबर 20 शेल्टर में, टीम नंबर 8 क्लोज, वेरी क्लोज, एक को नॉक करा। अबे अबे ये, अरे भाई चिंपैंजी थे क्या पिछले जन्म में, नहीं कहीं भी लटक जाते हो, चढ़ जाते हो, चलो पापड़ बन गए तुम्हारी भी। अकेले बंदे ने तीनों को मार दिया, निपटा ही दिया उनकी, तो पेटी बना दिया अकेला, बहुत ही शानदार ब्रो। तो फिलहाल टीम 20 आग लगाए रखी थी, और अब भाई मज़ा आ रहा था यार रूम में, जिधर देखो उधर तबाही मची पड़ी है, मतलब किसी टीम सिड को छोड़ के ना कोई बंदा ये वेल्ला नहीं बैठा था, मतलब सब किसी ना किसी के धै मुँह के धै घुसण पेले रहता। ओह ओह, प्रो प्लेयर, प्रो प्लेयर क्या कर रहा है ये, पीक 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 पीक। चलो चलो, ये है भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, जहाँ भी जाने की तैयारी हो रही है अच्छी बात है, चलो जाओ। और अब आ रही है टू एम गॉड को स्पेक्टेट करने के, भाई ही इज जस्ट अ ग्रेट प्लेयर, आई रियली लव योर गेम ब्रो। भाई मैंने पूरा गेम ना बस इसी को स्पेक्टेट करके निकाला है,
मतलब देखो इसे बस, जैसा कि मैं बता रहा था इसका मैं ना फैन हो गया टू एम गॉड का। देखो मतलब निकलते के साथ ही झटके झटके में दोनों को हटके ले दिया, मतलब सॉरी फटके ले दिया। तो झटके झटके में टू गॉड ने दो को हटके फटके ले दिया, और उसके बाद इनकी टीम की तो क्या ही कहना है, मतलब गजब ही, मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहे थे यार ये लोग, खेल ही नहीं रहे थे, मतलब फ्री कस्टम और नूब कस्टम कुछ नहीं खेल रहे थे ये लोग, टीयर वन के प्लेयर है यार, यहाँ ये लोग कर ही क्या रहे हैं, मतलब भाई आप टीयर वन कस्टम खेलो यार, दिस रोम इज़ नॉट एलिजिबल टू हैव प्लेयर्स लाइक यू। मतलब बुरा मत मानो बट दिल से मेरी यही फीलिंग आ रही है भाई कि आप ऐसे छोटे मोटे रूम के लिए बने नहीं, आप बड़ी उड़ान के लिए बने, बड़े रेस के घोड़े, बड़े बड़े घोड़े। तो अब हम स्पेक्टेट कर रहे हैं टीम 21 को, जिन्होंने फिलहाल अभी किसी की पेटी बनाई थी और उस पेटी को तवा पकड़ के लूट रहे थे, नहीं मतलब तवा पे उसे वो 5 mm के गोलियों को ऐसे पकाएंगे ना तो वो फिर मैग्नम का बन जाएगा, तो फिर ये M4 में मैग्नम की गोली लगा के ढाया ढाकर मारेंगे। तो भाई यहाँ पर तो फिलहाल इन्होंने भी एक स्क्वाड को निपटा दिया है, ये डुओ भी बहुत अच्छी खेल रही है, इन्होंने टोटल 5 किल कर रखे हैं, ये टीम भी बहुत अच्छी चल रही है। और फिलहाल ये टीम जा रही है टीम नंबर 20, कौन सा भैया, टीम 24, हाँ फिलहाल ये टीम जा रही है टीम 24 के पास, जी हाँ टीम 24। और ये गंदा नेट, बहुत ही गंदा नेट, अच्छी थो दूसरा नेट, एक गेंद पर 3 damage, बहुत अच्छी कोशिश आदिल के टीममेट की, एक ग्रेनेड और उसके बाद ये बंदा अंदर घुसा, सब कुछ सही है अभी तक। और फिर ये ड्रॉप, ये क्या हरकत थी ज़रा भाई, और नॉक होते हुए आदिल का शानदार नेड, और एक नेड में 1 wicket और 1 damage, ये दूसरा नेड और एक और विकेट, वो भाई भाई आदिल का एक और नेड आया और बनना समाप्त। तो भाई यहाँ पर बनने की तो लग गई, ब्रेड पकोड़े बन गए बनने के, कोई बात नहीं। अब भाई आदिल 1v3 में क्लच करने की है, क्या आदिल 1v3 क्लच कर पाएंगे, जी नहीं। जिस भाई इसी जगह पे मुझे पता चला कि मेरे गेम में ना साउंड ही नहीं है, मतलब मेरे रिकॉर्डिंग की स्ट्रीमिंग की माँ की आँख हो गई, मतलब उसकी माँ की दाल मखनी बन गई, और उस दाल मखनी का ना मेरे को बहुत मन कर रहा था खाने का, पर मैं नहीं खा सकता था ना, क्योंकि वो तो मोबाइल में है। चलो ये सब छोड़ो, तो भाई यहाँ पे आदिल को 1v3 क्लच करना था, इस दौरान बहुत सारे फाइट हो रहे थे जो मैं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आदिल यहाँ पे 1v3 क्लच कर पाएगा, एंड दैट वुड बी एन एपिक मोमेंट टू बी कैप्चर्ड। तो सो सॉरी ब्रो, अगर किसी की फ़ाइट मिस हो गई हो कहीं पर, किसी ने कहीं पर शानदार क्लच वगैरह किया हो, तो भाई आई एम सो सॉरी, आई वॉज अनएबल टू कैप्चर दैट। अब फिलहाल टीम 24 ने शानदार तरीके से कोने कोने पकड़ के बैठ गए थे, पर इन्हें क्या मतलब अलग ही चुल मची थी अपने टीममेट की पेटी लूटने का। भाई ये मानो, आप किसी भी टीममेट, किसी भी ओपोनेंट की पेटी लूटो या ना लूटो, अपने टीममेट की पेटी लूटने का ना सुखी कुछ और होता है। मतलब भाई जो बंदा कह रहा हो ना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ज़रा उसकी पेटी चेक कर लिया, उसके पास सब कुछ होता है। अब यहाँ पर गाड़ी में बैठ करके उसने नॉइज़ दिया है, बंदे एक्साइटेड होकर के नीचे कूदे, T4PS बना, ट्रैप में फंसा, और यहाँ पे नॉक, और इसी के साथ एक किल सिक्योर, और उसके बाद किल सिक्योर के दौरान मरा आदिल। कोई बात नहीं भाई, पर आपको किल सिक्योर करने नहीं जाना था, आप शायद क्लच कर लेते, उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला था। ये सिद्धार्थ, ये तो अलग ही नमूना है साला, यहाँ पे एम गॉड नॉक होते हुए रिवाइव पाया, लूट करते हुए प्रो प्लेयर टीम 3 के बंदों का शानदार DP का स्प्रे, और ये बंदा भी मरा, मतलब सॉरी DP नहीं है, M4 विथ 4x। बहुत ही शानदार गेम जा रहा भाई, मतलब लिटरली आला दर्जे के प्लेयर हो आप लोग, मतलब कति जहर लगा के रखा, आग लगा दिया भाई, आप लोग तो कमाल खेलते हो यार, आप लोग सारे पीरो प्लेयर हो। एम गॉड फिर से नॉक होते हुए, और यहाँ पर टीम 4 का लास्ट बंदा बचा है, नेड से बचा, ओके फ्रीजा फिर से एनेड करते हुए, और फिर इस पर एक और नेड, और इस बार फ्रीजा ने इसका पापड़ बना दिया। भाई फ्रीजा भी क्या गजब के, मतलब ही वॉज अ ग्रेट ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर गाइस, अगर कोई ड्रैगन बॉल जी लवर है तो मुझे बताएं।
क्योंकि मैं अपने लिए एक नाम सोच रहा हूँ, कटप्पा से चेंज करके कोई एक अच्छा नाम रखूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कौन सा ऐसा नाम है जो मुझे सूट करता है अपार्ट फ्रॉम कटप्पा एंड एनीथिंग। तो कैसा लग रहा है आपको ये रूम कस्टम, कैसा चल रहा है यहाँ पे मैच, ज़रा देखें और बताएं। मुझे पता है यहाँ पर एम गॉड फिलहाल डोमिनेट कर रहे हैं अकेले, पर जो भी हो प्लेयर अच्छे हैं सारे, बहुत ही अच्छे आला दर्जे के प्लेयर हैं। ऐसी बात नहीं है कि वही एक अच्छा प्लेयर है, सभी अच्छे हैं। और भाई ये यहाँ पे टीम नंबर 6 के बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा अभी भी लूट कर रहे हैं। नहीं कितना लूटोगे, क्या घर लेके जाओगे भाइयों? अरे उधर देखो टीम नंबर 23 को, लूट कम रही है ठोक ज़्यादा रही है, मतलब जा। स्वैट रेन 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 गो होम कम नेवर, ऐसी अभी फिलहाल अपोनेंट के दिल से आवाज़ आ रही है। रेन रेन गो हवे, लिटिल पीपल नूबड़े वांट टू प्ले। तो भाई यहाँ पे रेन क्या करना चाह रहा था वो मेरे को नहीं समझ में आया, और मैं इस पर इतने देर तक स्पेक्टेट पे क्यों बैठा हुआ था ये मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे दो चीज़ें समझ में नहीं आई, ये रेन कर क्या रहा है और मैं इसके ऊपर स्पेक्टेट करके क्या कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं एम गॉड के पास। तब तक गए तब तक पता चला एम गॉड और दो कोई को चिपका चुका होता है। भाई ये गाड़ी यहाँ पर कैसे ही मुझे एकदम समझ में नहीं आई। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कोई मुझे बता दे, जैसा कि आप लोग बताते ही नहीं हो। तो फिलहाल गाइस आगे चलते हैं बिना किसी बकैती के। तो यहाँ पर फिलहाल भाई मैंने बीच में ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का पॉज लिया था, वो पॉज इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे बस कुछ बोलने को था नहीं, मेरे पास बोलने के लिए हर वक्त बहुत कुछ होता है। फिलहाल टीम 23 मिलिट्री बेस में वापस आ चुकी है। तो हुआ यूँ ना कि मेरे को एक लड़की का मैसेज आ गया, भाई तो मैं थोड़ा सा यू ना प्रायोरिटी, और यहाँ पर टीम एम गॉड्स फिर से नॉक होते हुए, बहुत ही शानदार स्प्रे। क्या यहाँ पर एक परफेक्ट नेट की उम्मीद की जा सकती है? क्या हम यहाँ पर एक परफेक्ट नेट नहीं देख पाएंगे? और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फ्रीजा ने बन्ना को नॉक किया, किल कन्फर्म किया, और अब यहाँ पर फ्रीजा ने रावण का भी वध कर दिया। तो गाइज यू प्लेड वेल बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट योर डे, टुडे इज टीम 23 डेज एंड दे आर डूइंग रियली वेल। देखो अंग्रेजी तो इतनी फ्लुएंसी से निकलती है ना, आए हाय हाय मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। वाह टीम 23 के अंदर अलग ही चूल्हे, मतलब ये जो भूख है ना, पता नहीं ऐसा लग रहा ब्रेकअप के बाद लौंडा बागी बना पड़ा है। भाई तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, क्या तुम दुखी हो, क्या तुम गुस्से में हो, या फिर तुम्हें बाथरूम लगी थी इसलिए तुम्हें जल्दी से मैच ख़त्म करना था? मुझे लास्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो अगर तुम्हें मेरा वीडियो देखने का कभी सौभाग्य मिले तो प्लीज़ मुझे बता देना कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतने पागल तरीके से खेल रहे थे, मतलब जल्दी मारो जल्दी मारो जल्दी मारो, ख़त्म करो ख़त्म करो ख़त्म करो। ओ भाई मेरे को कैंसर हो गया, प्लीज़ डोनेट मी 5-10 लाख रुपीज़ सो दैट हम अपना इलाज करा सके। इलाज इलाज कुछ नहीं कराऊंगा, 2-4 आईफोन लूँगा मस्त मस्त, एक में पबजी खेलूँगा, एक से स्ट्रीम करूँगा, एक से टिकटॉक बनाऊँगा, और एक से अबे एक क्रक को रखूँगा उसको हाथ में पकड़ के उससे फ़ोटो खिंचाऊँगा कि यहाँ आई एम ऑल्सो हैविंग एन आईफोन। वो जो होता है ना ऐसे, मतलब आईफोन पकड़ के नोकिया 1661 से फ़ोटो खिंचाने वाला जो स्वैग होता है, हाँ बिल्कुल वही वाला, किसी भी 30 से कैमरे से आईफोन पकड़ के फ़ोटो खिंचा लो। फोटो का क्वालिटी ख़राब होगा पर फोटो का वैल्यू बढ़ जाता है भाई मानो। टीम 23 और 11 और टीम 3 की फ़ाइट, और टीम 23 के बंदे पर लेफ्ट से स्प्रे आता हुआ टीम 11 का, और ये देखो ये लूडो अभी तक बचा हुआ है। भाई इस बंदे को तो किसी ने देखा ही नहीं, भाई गजब का प्लेयर है यार, मतलब सांस रोक के पानी में बैठने की कैपेसिटी रखता है ये बंदा। भाई किसी को कौन कर रहा जाना हो इससे संपर्क कर रहे, ये आपको फ्री में लेकर के जाएगा, टॉप 3 तक तो पक्का लेकर के जाएगा, आगे आपकी जिम्मेवारी।
यहाँ पे टीम थ्री का बंदे ख़त्म होते हुए टीम थ्री की पापड़ बन गई, और टीम इलेवन के साथ सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया क्योंकि वो जोन के बाहर थे और टीम 23 ने उनका जोन कट कर रखा था। और ये सिचुएशन सबसे दर्दनाक होता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास असला है, गोला है, बारूद है, क्योंकि आधे घंटे तक आपने कुछ किया नहीं है, आधे घंटे तक तो आपने सिर्फ लूटा है। तब उस लूट का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बहुत काबिलियत भी है, पर आपके पास वक्त ही नहीं है क्योंकि आगे कुआं पीछे तेरे खाई, और तू बेटा पेटा बन, और तू बेटा पेटी बन जाई, बन गया पेटी। लास्ट बंदा बचा हुआ है सिड द ग्रेट कैंपर, मैंने इसे टॉप थ्री में कहा था, इसने दिल पे लेके टॉप टू में आ गया। और यहाँ पे एम गॉड पागल होते हुए पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे, धाम धूम, फिर से एयर फायरिंग, फिर से एयर फायरिंग। भाई मेरी शादी नहीं है, तुम इतनी हवा में गोलियाँ चला रहे हो, मतलब ठीक है, मतलब शादी में आके चला लेना भाई, अभी वक्त है, टेंशन ना लो। और इसी बीच गेम ओवर, सिद्धार्थ के पापड़ बन गई और टीम 23 ने करे हैं टोटल 8 8 16, मतलब 9 9 18 और 7 25 किल।